सब्सक्राइब कीजिए इंदुजी के रेमेडीज चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए रेगुलर लाइव रेमेडीज के लिए। नमस्कार, मैं हूँ इंदु आहुजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट। आज मैं सामने आपके लाई हूँ और एक टॉपिक, और वो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। हाँ जी, प्रॉपर्टी अगर आपकी बिक नहीं रही है, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो गोडाउन हो या आपका घर हो, अगर आपकी बिक नहीं रही है प्रॉपर्टी, तो उसके लिए आज आपको मैं रेमेडीज़ बताऊंगी। प्लस अगर आप प्रॉपर्टी कोई ख़रीदना चाहते हैं, आप बहुत टाइम से ख़रीद नहीं पा रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, पैसे आपके यहाँ तो उसके लिए जमा नहीं हो रहे, या ऐसा हो रहा है कि उसमें अड़चनें कुछ ना कुछ आ रही है, तो आज प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ख़रीदने और बेचने से रिलेटेड आज मैं आपको कुछ उपाय बताऊँगी जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ही ईजी टू फॉलो है। कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सपोज़ आप प्रॉपर्टी कोई बेचना चाह रहे हैं, कोई भी ज़मीन है या जो भी है, उसके कागज़ तो ज़रूर आपके पास होंगे, तो वो पेपर्स को आपको लेना है और क्या करना है, एक येलो कलर के फोल्डर में आपको उसको डाल देना है। इन केस आपको फोल्डर नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, येलो कलर का पेपर ले सकते हैं या येलो कलर का एक कपड़े का बैग बना सकते हैं। ओवरऑल उसके ऊपर कवर एक येलो कलर का होना चाहिए और इसको आपको हाथ में होल्ड करना है और ये सोच लेना कि ये प्रॉपर्टी अब बिक गई है। ठीक है, ये बिक गई और बहुत अच्छे दामों में ये बिक गई, ऐसा एक पॉजिटिव अफर्मेशन आपको वो बोलना है हाथ में होल्ड करके। ओके, तीन बार आपको थैंक यू बोलना है और उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे आप रहते हैं ना, वो भले प्रॉपर्टी कहीं पे भी हो, लेकिन जहाँ पे भी आप रहते हैं, उस कागज़ को आपके घर के नॉर्थ वेस्ट कोने में आप रख देंगे, जहाँ पे उत्तर और पश्चिम की दीवार मिलती है, वहाँ पे किसी भी दिन किसी भी समय इस फोल्डर को आप वहाँ पे रख देंगे। ठीक है, ये सबसे पहला उपाय आपको करना है। अब अगर आपको ज़मीन बेचनी है, ओके, एकदम कोरी ज़मीन है और वहाँ पे अभी तक कुछ भी बना नहीं है या बन गया है तो वो अब नहीं है, वो पूरी तरह से प्लेन है, मतलब ओवरऑल अगर सिर्फ ज़मीन है, किसी प्रकार से वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो उसके लिए अब आपको मैं रेमेडी बता रही हूँ कि उसमें अगर कोई रुकावट आ रही है तो कैसे वो फटाफट बिक जाए और अच्छे दाम भी आपको उसके मिल जाएँ। तो आपको क्या करना है, तीन अलग अलग खुशबू की अगरबत्ती लेनी है। ओके, जैसे कि एग्जांपल मैं बता रही हूँ, आप कोई भी तीन अलग अलग खुशबू की ले सकते हैं, जैसे गुलाब हो गया, चंदन हो गया, मोगरा हो गया, जो भी आपको तीन खुशबू अच्छी लगती है उसमें से एक एक सिंगल सिंगल अगरबत्ती आप निकाल दें और उसके चार सेट ऐसे बना दें, तीन तीन के चार सेट आप बना दें और आपकी जो ज़मीन है, प्लॉट है, वहाँ पर चारों कोनों में ये तीन तीन अगरबत्ती आपको ज़मीन में डाल के जला देनी है वहाँ पर। ओके, एक कोने में आपने जलाई, फिर दूसरे कोने में जाके वहाँ पे आपने लगा दी, फिर तीसरे कोने में, चौथे कोने में, ये हो गया। अब अंदाज़ा आप देख लीजिए कि आपकी ज़मीन का सेंटर कहाँ पे है, बीच जो सेंटर होता है ना वो कहाँ पे है, वहाँ पे आपको जाना है, ऐसे नॉर्मल छोटा सा आपको गड्ढा कर देना है और एक नारियल जो छिलके वाला होता है, जो ब्राउन कलर का नारियल होता है, वो पानी वाला नारियल आप ले लेंगे और उसको आप ज़मीन में दबा देंगे, सेंटर में जो चोटी होती है ना नारियल की चोटी, वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ओके, ये आप वहाँ पे उसको बंद कर दें, मिट्टी से बंद कर दें, मनोकामना करके कि अब ये ज़मीन एनर्जाइज हो गई है, अब यहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, ये ज़मीन मेरी अच्छी तरह से अच्छे भाव में निकल गई है, निकल गई है, प्रेजेंट टेंस में इसको बोलना है। और उसके ऊपर मिट्टी बंद करने के बाद आप एक वहाँ पे दिया जला दें और दिया जला के छोड़ के बस आप सीधा घर पे आ जाए। ये काम करने के बाद सीधा आपको घर आना है, बीच में कहीं पे भी नहीं जाना है। ये उपाय केवल आपको एक ही बार करना है और संडे वाले दिन करना है, पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सांझ होने से पहले आपको करना है। ओके, अब बारी आती है प्लॉट की, आपका फैक्ट्री है, गोडाउन है, ऑफिस है, घर है, बनी हुई कोई जगह है और वो आपकी बिक नहीं रही है या अच्छे भाव आपको नहीं मिल पा रहे, तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक रेड कलर का लिफाफा लेना है, रेड कलर का एनवलप आप ले लीजिए। फिर आपको क्या करना है, जो वहाँ की ज़मीन या जो दीवार होती है ना, वहाँ से कुरेद के थोड़ी सी मिट्टी आप ले लीजिए। ओके, थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए, फिर आपको
कहीं भी प्लॉट से सॉरी जगह से आपको थोड़ी सी एक लकड़ी का टुकड़ा लेना है, चाहिए तो थोड़ा सा मामूली सा छिलका कहीं से दरवाजे का या किसी का आप निकाल सकते हैं। और आपको कोई भी एक लोहे की चीज़ लेनी है, चाहे वहाँ पे पड़ी हुई कोई चाबी हो सकती है या लोहे की कील हो सकती है, कुछ भी लोहे का जो वहाँ पे आपकी वो जगह पे है वो आपको ले लेनी है। ओके, मैं रिपीट करती हूँ, रेड कलर का एनवलप आपको लेना है, एक लकड़ी की चीज़ लेनी है, मिट्टी लेनी है, लोहे की एक चीज़ आपको लेनी है। ये तीनों चीज़ें आपको रेड एनवलप में डालना है, इसको गम से चिपका देना है, ग्लू से चिपका दीजिए और हाथ में होल्ड कीजिए और मनोकामना करें। जो भी आपके दिमाग में अमाउंट है ना, जो उस वक्त चल रहा होगा, अनएक्सपेक्टेड भी आपको नहीं मानना ज़्यादा, मतलब किस लिमिट तक आपको चाहिए, तो ये लिमिट का अमाउंट इतने टाइम पीरियड में आपको मिल गया है, ऐसे मन में सोचना है कि इतना सो एंड सो अमाउंट मुझे इतने टाइम पीरियड में, 2 महीने में 3 महीने में मुझे ये मिल गया है और ये मेरी जगह बिक गई है, अच्छी तरह से इसका सौदा अच्छी तरह से हो गया है, ऐसा बोल लिया। अब आपको क्या करना है, इसको लेके जाना है और बहते हुए पानी में जाके आपको इसको छोड़ देना है। ये पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन आपको ये एक ही बार करना है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपको और दो उपाय करने हैं, वहाँ जो घर है या आपका ऑफिस है या जो भी जगह है वहाँ पे बीच में आपको एक दिया जला के आ जाना है, या तो आपको वहाँ पे जब तक वेट करना आप कर सकते हैं जब तक दिया जल रहा है, नहीं तो आप जला के आप आ जाएं घर के सेंटर में, ठीक है, छोटा सा आप दिया वो आप जला सकते हैं, आप घी का दिया भी जला सकते हैं वो चलेगा, या तेल का दिया भी जलाएंगे चलेगा, सरसों का तेल वैसे ज़्यादा अच्छा रहता है, सरसों के तेल का दिया भी जला सकते हैं या घी का दिया, ये आपकी इच्छा अनुसार है, लेकिन वो घी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो गाय का घी होना चाहिए। ओके, तो ये आपको रेमेडी करनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, गाय का कंडा लेना है, गाय के गोबर का कंडा ये आपको लेना है, और उसके साथ कुछ दाने कपूर के लेने हैं, और इसको जला के आपको पूरे वो जो जगह है वहाँ पे इसका धुआं करना है, हर कोने में जाके आपको इस तरह से धुआं आपको फैलाते चले जाना है। ये भी उपाय उसी दिन करना है, सेम डे पे जिस दिन आप ये एनवलप वाला करोगे, एनवलप मतलब करने से पहले, निकलने से पहले आप वहाँ पे दिया जला दें, और इस तरीके से जो मैंने आपको बताया कपूर का रेमेडी ये आप कर लें और फिर आप आ जाएं मनोकामना करके, बहुत ही जल्द आपका ये काम हो जाएगा, देखिएगा पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और बहुत ही फास्ट रिजल्ट मिलेंगे। एक उपाय ये भी करना है कि ज़मीन आप खरीदना चाहते हैं या आप जगह खरीदना चाहते हैं, तो आपको ये जो उपाय बताने जा रही हूँ ये केवल एक ही बार करना है। आपको क्या करना है, सुरमा लेके आना है, सुरमा जो सूखा वाला सुरमा आता है ना जो आँखों में लगाते हैं वो आपको लेके आना है। ये किसी भी पूजा की दुकान पे या किराने की दुकान पे आपको मिल जाएगा, या जहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। सुरमा आपको लेके आना है और उसको आपको क्या करना है, वो पैकेट में होगा तो आप उसको खोल दीजिएगा बाद में। क्या करना है, आप कहीं पर भी घर के बाहर जाएँ, शनिवार वाले दिन आपको ये रेमेडी करनी है, शनिवार वाले दिन घर के बाहर जाके कहीं पे भी आप सुनसान जहाँ पे थोड़ी सी जगह होगी ना वहाँ पे गड्ढा करके ये सुरमे को ज़मीन में दबा के आप आ जाइए, बस मनोकामना करके, और एक ही बार इस उपाय को कीजिएगा, देखिए रिजल्ट आने लग जाएगा। प्रॉपर्टी खरीदना अगर आप चाहते हैं तो, अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है या आपको ज़मीन खरीदनी है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको ऑफिस हो सकता है, गोडाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही है, आप खरीद नहीं पा रहे, आपके पास पैसे नहीं है, या आप रेंटेड हाउस में आप चाहते हैं कि आपका सपना है कि आपका खुद का घर हो जाए, अगर ऐसी कोई भी बात है तो आज मैं आपको जो रेमेडी अब बताने वाली हूँ वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और वाकई में उसके रिजल्ट्स आते हैं। मैंने 23 सालों में कितने मेरे क्लाइंट्स को ये रेमेडी बताई है और वाकई में वो बहुत अच्छे से काम कर गई है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपके घर का जो नॉर्थ वेस्ट जहाँ पे आप रहे हुए हैं वहाँ पे देखिए कि उत्तर और पश्चिम का कोना जहाँ पे मिलता है, ऐसे कोने में कोई पौधा तो नहीं है, या हरे रंग की चीज़ या लाल रंग की कोई चीज़ तो नहीं है, अगर ऐसा है तो इमीडिएटली आप उसको वहाँ से हटा दीजिए। वहाँ पे किसी प्रकार से कोई भी क्लटर यानी कि कूड़ा नहीं होना चाहिए, या ऐसा सामान नहीं होना चाहिए जो आप इस्तेमाल नहीं करें बहुत समय से, ठीक है। तो आपके घर का नॉर्थ वेस्ट आपको क्लियर करना है और वहाँ पे हरी और लाल चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक सुंदर से घर की फ़ोटो लेनी है, अगर आप ऑफिस या फैक्ट्री लेना चाहते हैं तो आप उसकी तस्वीर आप ले सकते हैं, इंटरनेट से आप डाउनलोड करके ले लें, या न्यूज़पेपर या मैगज़ीन से आप काट के ले सकते हैं जो आपको बहुत अच्छी लग रही है, ऐसी फ़ोटो आपको लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक अलग से ब्लैंक वाइट पेपर लेना है,
ब्लैंक वाइट पेपर पे आपको क्या करना है, सिल्वर कलर की पेन से आपको ये लिखना है कि मुझे घर मिल गया है इतने, सपोज मान लो कि 3 महीने के अंदर मेरा घर खुद का बन गया है 3 महीने के अंदर, और हम यहाँ पे सब इकट्ठे रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, वी आर हैप्पी और हम बहुत खुश हैं, बस ओवरऑल ऐसे आपको लिखना है, मतलब पॉजिटिव अफर्मेशन में आपको लिखना है। आप अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में कैसे भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, उसमें पॉजिटिव वर्ड्स होने चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि वो हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है और उसके बाद इस पेपर को आपको उस फोटो के पीछे चिपका देना है। अब आप कैसे चिपकाएंगे, फोटो आपकी बाहर की तरफ है तो जो लिखा हुआ है वो उल्टे साइड पे होगा, यानी कि वो आपका दीवार की तरफ फेस करेगा जब आप उसको दीवार पे चिपकाएंगे, क्योंकि हम इसको अब दीवार पे चिपकाने वाले हैं। क्या करना है, नॉर्थ वेस्ट की जो कोने की दीवार कोना है वहाँ पे नॉर्थ की दीवार पे, उत्तर की दीवार पे आप इसको चिपका देंगे। फोटो जो है वो बाहर की तरफ दिखाई देगी, जो लिखा हुआ भाग है वो दीवार की तरफ चला जाएगा, ऑपोजिट साइड पे आपने लगा दिया, फोटो बाहर, लिखा हुआ दीवार की तरफ उसका चेहरा होगा और आप इसको दीवार पे केवल लगा देंगे। अब आपको क्या करना है, रोज़ सुबह उठते ही आपको वो फोटोग्राफ देखनी है और आपको ये सोचना है कि बस मेरा घर हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, या मेरे परिवार के साथ मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर आपका ऑफिस है तो मेरा यहाँ पर खुद का ऑफिस बन गया और ये बहुत अच्छी प्रकार से मेरा ऑफिस चल रहा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इस तरीके से आपको रोज़ बोलना है सुबह उठने के बाद और उस फोटो को देखते ही, ये आपको चीज़ करनी है, बस इतना ही आपको करना है। देखिए बहुत ही जल्द आपका ये सपना पूरा होगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि आपके काम होने लगे। आप पहले के भी मेरे वीडियोस देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के काम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो मेरे उपाय बहुत ही विश्वास के साथ फॉलो करते हैं। देखिए मेरा काम है आपको बताना, आगे किस तरीके से आप उन उपायों को करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है ना। तो जितना आप विश्वास के साथ करेंगे, सब्र के साथ करेंगे, उतना ही जल्द आपका ये काम हो जाएगा। तो जैसे ही काम हो जाए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और सबको अच्छा लगेगा, उनको इंस्पिरेशन मिलेगा कि किस तरीके से देखिए ये उपाय जीवन में काम भी करते हैं। ये बहुत छोटे से उपाय हैं लेकिन बहुत ही इसके फास्ट रिजल्ट्स आते हैं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप ये शेयर भी कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और नीचे एक रेड कलर का राइट साइड पे एक सब्सक्राइब का बटन होगा उस पर ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। उसके पास में एक बेल बटन है, अगर आप उस पर भी प्रेस करते हैं तो आगे मेरी जो भी आने वाली वीडियोज़ है उसके बारे में आपको पता लगने लग जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय।